जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर लगातार खुलासों से सभी लोग हैरान परेशान हैं, लेकिन आपको वो बात बताने वाले हैं जिससे सुशील कुमार अपने आप को मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रखते थे। उसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों कि सुशील कुमार 4 बजे सुबह उठते थे। ये बात हम नहीं बल्कि सुशील कुमार के द्वारा ही दिखाई गई थी उनकी यूट्यूब चैनल पर। उनकी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो ऐसी देखने को मिली है जहाँ पर वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे जो समय बताया जाता है उसमें उठकर अपने आप को फटेक रख रहे हैं, यानी कि अपनी कसरत करते नजर आ रहे हैं, दंड बैठक लगाते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा ही बता रहे हैं। कहते हैं कि कैसे पॉजिटिव वाइब मिलती है, एक एनर्जी ऐसी मिलती है जिससे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन वही पॉजिटिव वाइब दोस्तों उस समय कहां चली गई थी जब सागर धनखड़ के साथ उन्होंने बदले लेने की भावना जागी थी मन में। क्या ये बात सच है कि सुशील कुमार उस रात को 2 गुटों के बीच झड़प को सुलझा रहे थे, या ये बात सच है कि सुशील कुमार ने ही सागर के ऊपर हमला करवाया था अपने साथियों के साथ मिलकर? कहना दोस्तों मुश्किल है, यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन सागर को पीटते हुए जो वीडियो सामने आई उस पर तो यकीन किया ही जा सकता है, क्योंकि डिजिटल सबूत इस समय झूठ नहीं बोलेगा। तो ये एक बड़ा सबूत है सुशील कुमार के खिलाफ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले सुशील कुमार की नींदें उड़ी हुई हैं। इस समय जेल की सलाखों के पीछे जाने के बावजूद भी कई सारे पुलिस अफसरों का अंदर जो जेल प्रशासन के पास सुशील कुमार की बैरिकेड के पास खड़े रहते थे, उन्होंने ये बात कही थी सूत्रों के मुताबिक कि सुशील कुमार सुबह उठकर ही अपने आप को मजबूत रखने के लिए मेंटली और शारीरिक रूप से कई सारी अलग अलग कसरत करते थे जो कई सारे फौजी भाई भी नहीं करते होंगे। तो यही रेसलर की खासियत है कि अपनी फिटनेस को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे उठने वाले सुशील कुमार अब दोस्तों कब सोते होंगे, कब जागते होंगे कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि जेल के अंदर इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं सोने खाने पीने के अलावा, अब क्या ही करा जाए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले सुशील कुमार पॉजिटिव वाइब मिलने के बावजूद अगर ये सब करते हैं तो क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।